हे फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरी लेटेस्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, आज की मैंने ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जो स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है, तो कोई भी इसे कभी भी बना के खा सकता है। नॉर्मली डाइटिशियंस कम ऑयल वाला खाना और सलाड्स खाना रेकमेंड करते हैं, तो आज मैं बनाऊंगी सौते वेजेस, जिसके लिए मैं ऑलिव ऑयल यूज करूंगी, तो बहुत ही हेल्दी रहता है। तो आज की मेरी ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करेगा, सबको बहुत पसंद आएगी। सौते वेजेस बनाने के लिए हमें चाहिए कैरेट, कॉर्न, फ्रेंच बीन्स, ओनियन, कैप्सिकम, चिली फ्लेक्स, ओरेगानो, ऑलिव ऑयल, रेड चिली सॉस, सोया सॉस एंड सॉल्ट टू टेस्ट। तो चलिए सौते वेजेस बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नॉनस्टिक पैन गरम करने के लिए रखेंगे और उसमें ऑलिव ऑयल डाल देंगे। ऑयल हल्का सा गरम होते ही उसमें कैप्सिकम और प्याज डाल देंगे। अब उसे एक बार अच्छे से हिला लेंगे ताकि वो ऑयल में इवनली मिक्स हो जाए। हल्का सा नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद अच्छे से हिला लेंगे ताकि नमक भी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे, जिससे कि उसका कच्चापन निकल जाए और वो ओवरकुक भी ना हो जाए। अब हम इसे लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। ध्यान रहे कि ये सब्जियां ओवरकुक ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून ऑलिव ऑयल लिया था, लेकिन फिर भी सब्जियां चिपक नहीं रही है क्योंकि मैंने नॉनस्टिक पैन का यूज किया है। अगर आप कोई और पैन यूज कर रहे हो तो ध्यान रहे कि सब्जियां चिपक ना जाए। कैप्सिकम और ओनियन को मैंने सौते कर लिया है, तो अब हम उसमें कैरेट, फ्रेंच बीन्स और स्वीट कॉर्न डाल देंगे। अब हम उसमें हल्का सा नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे कैरेट और फ्रेंच बीन्स को एक विसल बजा के बॉईल कर लिया है, इसलिए मैंने बाद में डाला है। अगर आप कच्चा यूज करते हैं तो पहले ही डाल दें। अब हम उसमें चिली सॉस, सोया सॉस, चिली फ्लेक्स, और ओरेगानो डाल देंगे। और अच्छे से हिला लेंगे ताकि सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए। मसाले डालने के बाद आधे मिनट के लिए सौते कर लेंगे और गैस बंद कर लेंगे। हमारे सौते वेजेस सर्व करने के लिए रेडी है, तो इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अगर आप सौते वेजेस इस तरह से बनाएंगे तो सबको जरूर पसंद आएंगे। आज की मेरी ये रेसिपी हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, तो आप जरूर ट्राई करिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी।